तो गाइस ये रही अप्रैल, 4 वीक्स प्रेग्नेंट। गाइस ये जो हेयर्स होते हैं किसी भी डॉग के, जब भी डॉग प्रेग्नेंट होता है तो ये जो हेयर्स हैं ये नीचे आ जाते हैं, काफ़ी नीचे आने लग जाते हैं ये हेयर्स। तो ये पहली निशानी होती है आपके डॉग की कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं। और ये जो एरिया है एज़ यूजुअल ये भी बड़ा होने लग जाता है, यहाँ से थोड़ा फूलने लग जाता है। और ये जो होते हैं इसके निपल्स, ये भी स्वेलन हो जाते हैं और ऐसा आपको दिखने लग जाएगा इस तरीके से, थोड़े से साइज़ में बिगर, आप देख सकते हैं जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये इस तरीके से गाइज आपको दिखने लग जाएगा आपके डॉग में। और गाइज यहाँ से ये जो एरिया है यहाँ पर पपीज़ होते हैं बेसिकली इस एरिया में, तो यहाँ से आपको थोड़ा थोड़ा हेल्दी फील होगा डॉग आपका। इसकी बैली थोड़ी थोड़ी सी बड़ी होने लग जाएगी यहाँ से, और थोड़ा रेस्ट लेना पसंद करेगा आपका डॉग, ज़्यादा भागा दौड़ी प्रेफर नहीं करेगा, जितना हो सके उतना रेस्ट प्रेफर करता है इस टाइम पे डॉग। ये देख सकते हैं आप कितना पिंकिश कलर है। तो गाइस यही कुछ होते हैं तरीके जिनसे आप बता सकते हैं कि आपका डॉग कंसीव्ड है या नहीं। गाइस 4 वीक्स में यही सब चीज़ें शो करता है डॉग एट 4 वीक्स। तो इसी के ही बिहाफ पे आप बता सकते हैं, अदरवाइज थोड़ा सा मुश्किल है कहना। गाइस वैसे अल्ट्रासाउंड से भी पता चल जाता है, बट नॉर्मली इंडिया में अल्ट्रासाउंड इतना इजीली मिल पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो आपको यही देसी तरीके अपनाने पड़ते हैं पता लगाने के लिए। गाइस अभी इसने डाइट बहुत कम कर दी है अपनी, खाना बहुत कम खाती है ये, तो ये भी एक तरीका है आपको पता चल सकता है डॉग काफ़ी कम कर देता है डाइट लेना। और थोड़े बिहेवियर चेंजेस भी आ जाते हैं डॉग के अंदर। सो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करिएगा, वीडियो सब शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आगे भी मैं ऐसी बहुत सारी वीडियोस लाता रहूँगा अप्रैल से रिलेटेड। सो अप्रैल, हे गुड गर्ल।